प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। माता रानी की जय हो भक्तों, आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसे हम आपको बताते हैं कुछ आसान से टोटके और उपाय, जिनसे आप अपने घर में बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति पर वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो वशीकरण टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको इस टोटके से आसान व प्रचंड टोटका कहीं नहीं मिल सकता। और मैं इससे सबसे आसान उपाय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे करने के लिए आपको इस्तेमाल करने होंगे आपको अपने खुद के ही दो बाल। जी हाँ, आपको अपने खुद के दो बालों का इस्तेमाल करना है इस वशीकरण में। आज तक आपने बालों से वशीकरण के जो भी वीडियो देखे होंगे उनमें आपको उस व्यक्ति के बालों का इस्तेमाल करना होता है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इस्तेमाल करने हैं आपके अपने दो बाल। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ये मुमकिन नहीं हो पाता कि जिस पर हम वशीकरण करना चाहते हैं उसके बाल हमें मिल जाए। दोस्तों, आज के इस चोटके से आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उसे सबक भी सिखा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से इस चोटके को करेंगे तो आपको इसका परिणाम बहुत जल्द मिल जाएगा। आज मैं आपको जो विधि बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस विधि में आपको एक सिद्ध किए हुए मंत्र का प्रयोग करना है जिससे कि आप इस विधि को अत्यंत सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी से भी बहुत प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इस विधि के प्रयोग से आप उस व्यक्ति के मन में अपने लिए बिल्कुल वैसा ही प्यार जगा सकते हैं जैसा आप उसे करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस विधि को आपको रात 11 से 12 बजे के बीच में ही करना है। सबसे पहले आपको दो बाल लेने हैं, फिर आपको एक बाल अपने दाहिने हाथ में लेकर एक मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद इस बाल को अपने तकिए के दाएं तरफ रख देना है। इसके बाद आपको अपना दूसरा बाल अपने बाएं हाथ में लेना है, वही मंत्र दोहराना है, और इसके बाद इस बाल को अपने तकिए की बाईं ओर रख देना है। अब आपको उस व्यक्ति को सच्चे मन से ध्यान करते हुए सो जाना है। अगले दिन आपको उस व्यक्ति के घर के सामने जाना है और फूंक मारकर उन दोनों बालों को गिरा देना है। लेकिन याद रहे दोस्तों, बाल उनके घर के आगे गिराते समय आपको सिर्फ उस व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, और बाल गिराने के बाद आपको उसी मंत्र का उच्चारण फिर से करना है जो मैंने आपको पहले बताया। ध्यान रहे दोस्तों, किस विधि को करते समय आपको कोई ना देख रहा हो, इसलिए आपको बिना किसी को बताए हुए बड़ी ही सावधानी से इस विधि को करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस विधि को बताए गए तरीके से ध्यान पूर्वक कर लेंगे तो उसके कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति पर आपके सम्मोहन का जादू चल जाएगा जिसे ध्यान में रखकर आपने ये विधि की है। दोस्तों, अगर आपको इस विधि को करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का हमसे हल पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।